माँ ब्रह्मचारिणी रूप की तुमको कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, मैया के दूसरे नवराते की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मचारिणी का मतलब तो तप की चारिणी है, भक्तों को अपनी माता यहाँ पार तारिणी है। राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ पूर्ण जन्म हुआ, भोलेनाथ के संग किया था माता सती ने विवाह। लेकिन दक्ष ने यज्ञ में कर दिया भोले का अपमान, हवन कुंड में कूद के दे दी माता सती ने जान। फिर तो हिमालय के घर में ये पुत्री बन आई, पार्वती गौरा और शैल की पुत्री कहलाई। दर्शन करने इनके नारद जी चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मैया के दूसरे नवराते की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नारद जी ने आकर माता को किया नमन, बोली गौरा मुनिवर क्या है आने का कारण। नारायण नारायण कर वो लगे हैं फिर मुस्काने, बोले क्या मैं बतलाऊं माँ आप तो सब कुछ जाने। जानता हूँ मैं शिव शंकर को आपने वरना है, बड़ा कठिन तप लेकिन इसके लिए तो करना है। करके घोर तपस्या आप शिव शंकर को पाओगी, तप का आचरण करने वाली माता कहलाओगी। इतना कहकर नारद जी फिर लौट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मैया के दूसरे नवराते की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पिता को हो गए इनके विवाह की है चिंता, पार्वती का खोजने पर एक पंडित को भेजा। दसों दिशाओं में वह पंडित घूम के आया है, कोई वर भी पार्वती के योग्य न पाया है। बोली पार्वती हे पंडित जाओ तुम कैला, शिव शंकर है मेरे वर जो करते वही निवास। कहने से गौरा के पंडित हैं कैलाश पे आए, देखा के एक योगी बैठा वहाँ पे ध्यान लगाए। देख के बूढ़े बाबा को पंडित घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मैया के दूसरे नवराते की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
फिर पंडित ने जाकर के है शिव को किया नमन। बोले शिव हे पंडित बतलाओ आने का कारण। बोला पंडित राजा हिमालय के यहाँ से मैं आया, पुत्री पार्वती का विवाह है आपसे करना चाहा। जिद है पार्वती की विवाह बस आपसे करना है, बड़ा घोर तप पड़ जाए चाहे उनको करना है। बैठ गई है तप करने जब तक आप ना माने, अंतर्यामी खुद हो भोले आप तो सब हैं जाने। अब माता की तप की कहानी तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मैया के दूसरे नवरात्रे की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जानती थी माँ गौरा ऐसे शिव ना मानेंगे, इसीलिए वो करने तपस्या गई है जंगल में। बैठ गई वो ध्यान लगा कर शिव ही शिव को ध्याए, कई हजारों वर्षों तक बस कंद मूल फल खाए। कंद मूल फल छोड़ दिए फिर खाए पत्ते वे, माँ की महिमा माही जाने कैसा अजब है खे। पेड़ से टूटे सूखे पत्ते खाने लगी है माता, घोर तपस्या इनके जैसा कौन है कर पाता। देख के ब्रह्मा विष्णु चिंताओं में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मैया के दूसरे नवरात्रे की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पत्ते खाने से पड़ा इनका नाम अर्पणा, ठान लिया था माता ने बस शिव को है वरना। घोर तप करने से हुई इनकी काया जर्जर, रही अटल अपने निश्चय पे रही घोर तप कर। फिर तो माँ ने खाने छोड़ दिए सूखे पत्ते भी, बोले ब्रह्मा विष्णु ये संभव है आपसे ही। ऐसे घोर तपस्या आज तक कोई ना कर पाया, ब्रह्मचारिणी ना माता का तब ही कहलाया। भोलेनाथ को हम विवाह के लिए मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मैया के दूसरे नवरात्रे की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। तपस्या पूरी आपकी लौट के घर जाओ, है वरदान के शिव शंकर को पति रूप में पाओ। फिर दोनों आए कैलाश पे शिव शंकर को मनाने, भोले तो भोले है इनकी माया यही है जाने। खत्म हुआ है भोले अब तो बरसों का इंतजार, करो विवाह अब पार्वती से जग का हो उद्धार। कहने लगे के भोले जैसे आपकी इच्छा है,
आज्ञा आपकी सपने में भी टाल नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु के कहने से मान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मैया के दूसरे नवराते की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मचारिणी माँ रूप ने ऐसा किया है घोर तप, इस सृष्टि में ऐसी तपस्या नहीं किसी ने की अब तक। तप का आचरण करने वाली ये ही माता है, ब्रह्मचारिणी रूप का जो भी ध्यान लगाता है। त्याग और तप में लगता मन उनका भटके ना, कठिनाई जो कुछ आए तो शक्ति देती माँ। तुझे नवराते में इनके रूप को ध्याते हैं, शक्तिदायिनी माता से वो शक्ति पाते हैं। भक्ति पथ से अपने मन को ना भटकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मैया के दूसरे नवराते की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपने हर एक जन्म में माने शिव को पाया है, कभी सती कभी पार्वती का रूप बनाया है। आदि शक्ति है माता ये जग को तारने वाली, यही शारदा यही है लक्ष्मी और यही है काली। नौ रातों में नौ दुर्गा की पूजा की जाती है, तुझे रूप में माता ब्रह्मचारिणी कहलाती है। बाएं अंग विराजे शिव के करती शेर सवारी, भक्तों को हर एक रूप में लगती है प्यारी। धन्य भाग भक्तों के दर्शन से हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मैया के दूसरे नवराते की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मैया के सब रूप सभी को भाते हैं भक्तों, सुबह शाम मैया की पूजा कर लो तुम भक्तों। हे मैया जी देना हमको अपना आशीर्वाद, भूले ना कभी नाम तुम्हारा रहे सदा हम याद। नवरातों की मंगल बेला शुभ है घड़ी ये आई, ब्रह्मचारिणी माँ की महिमा सबने है गाई। मैया की कृपा की दृष्टि सब पे हुई अपार, जिसने भी महिमा को गाया हो गया भव से पार। जो भी श्री चरणों में इनका ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मैया के दूसरे नवराते की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। I'm not afraid.
चाहिए हो।